संपूर्ण इलाज के लिए जिस विभाग बनाए जाएंगे, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, के मानकों के अनुसार बनने वाले इस अस्पताल में 104 मैं उसके घर से आपका मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज हम सब लोगों का मन जिला उर्वरक कॉम्प्लेक्स शिलान्यास इस परियोजना बिहार मंत्रालय भारत सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित पटना मेट्रो रेल परियोजना का विधिवत शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आपके समक्ष किया गया। इसकी कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर, कुल लागत 13,365.77 करोड़ रुपए। करकल ध्वनि से क्षण का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, दिल से आभार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंचासीन माननीय गणमान्य अतिथियों का दिल से आभार। मैं सोमा चक्रवर्ती आपके बीच से इजाजत चाहूंगी, नमस्कार। अरे यार फैलो ना थोड़ा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप आज बहुत ही खुश हैं। ये पूरे बिहार वासियों के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है, पटना वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ऐतिहासिक क्षण है और ये 6 महीना में इसको स्टार्ट करने की पूरी संभावना है। इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, सारे इसकी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। हम समझते हैं कि बिहार को आज प्रधानमंत्री जी ने जो 33,000 करोड़ रुपए का परियोजना का शिलान्यास किया है, ये बिहार के विकास में 4 चांद लगाएगा। सर किस कंपनी को काम मिला है, कौन सी कंपनी कब तक काम पूरा हो जाएगा? कब देखिए 5 साल में पूरा हो जाएगा और 6 महीने में इस काम को हम लोग शुरू करवा देंगे। काम कौन सी कंपनी को मिली है सर? ये तो अभी अभी ये तो अवार्ड जो है इसको पहले बता देना, लेकिन इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, देश विदेश की कंपनियां इसमें प्रयास कर रही है जो काम मिले और ये 6 महीने के अंदर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सर ये जू परिसर है सर और वहाँ पर लाउड स्पीकर मना होता है, अभी आप देखेंगे। देखिए ये सवाल है कि यहाँ पर एक स्टेशन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका शिलान्यास का किया गया और हम लोग कुछ नहीं बोले हैं। बरौनी से ही सारे जो है सो इसका रिले हुआ है।